आज जो फोटोशूट हुआ एक मेरे पेट के साथ में था जो उनके कैलेंडर के लिए यूज होने वाला है, और दूसरा जो स्पैरो होम्स हैं उसके साथ में हमने पोस्ट किया, जस्ट टू से कि भाई स्पैरो होम्स को अपने घर पे रखिए, बाहर रखिए, जहाँ भी आपको जगह हो, छोटी सी जगह हो तो भी चलेगा, पानी रखिए अपने बर्ड्स के लिए। आई थिंक स्पैरोज जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम में है आजकल, बिकॉज हम लोग इतने बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतने सब टावर्स आ गए हैं सब तरफ, सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे बर्ड्स को बहुत इफेक्ट हुआ है इसके कारण। सो आई थिंक जस्ट अ स्मॉल थिंग फ्रॉम आवर साइड टू हेल्प देम। बिल्कुल, आई थिंक कुछ भी आजकल जो भी लंबा हो गया है, जहाँ पे बर्ड्स का एरिया था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हिस्से में आना कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अगर हम छोटा सा एक जगह अपनी तरफ से एक छोटा सा घर रखें उनके लिए, आई थिंक दैट्स मोर देन नाउ। पॉज एक एनजीओ है जो प्लांट्स एंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर टू रीजंस। वन वाज फॉर द कैलेंडर, उनका अपकमिंग कैलेंडर जो है, और दूसरा इज फॉर ग्रेट कॉज वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट सेव द स्पैरो। तो ये दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे बात की, मैंने कहा डेफिनेटली आई वुड लव टू सपोर्ट देम एंड एनकरेज दिस कॉज। वेल जूरी इज ऑलवेज इनवाइटेड, आई थिंक उन्होंने हमेशा बहुत एनजीओ सपोर्ट किया है, हर कॉज को सपोर्ट किया है। आई थिंक उनका जो केस है हमारा केस कहीं ना कहीं तो सिमिलर ही है, वो बच्चों की बात करते हैं, हम एनिमल बर्ड्स की बात करते हैं, तो आई थिंक फाइनल यही है कि भाई जो टावर्स हैं उनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो सुखसार कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है। एंड जो ही शी कम्स आई थिंक सो वंडरफुल, उनके सपोर्ट से और भी सपोर्ट होगा। और जिस तरह हमने कहा ये स्पैरो होम्स जिसमें बारे में बात कर रहा था मैं, कि स्पैरो होम्स जो हैं ये अगर आप सबके घर में बाहर रखें तो बच्चे भी आगे खुश रहेंगे ऑफकोर्स, बिकॉज उनको काफ़ी बहुत देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ आई थिंक स्पैरो घर में जाएगा। एंड रिसाइकल वुड, आई थिंक कहीं भी हमने इसको नया बनाने की कोशिश नहीं की है, जो भी रिसाइकल था उसको यूज़ किया है। यहाँ पानी रखिए एंड आई थिंक ईजिली आप सपोर्ट कर सकते हैं स्पैरो। बिल्कुल, आई थिंक बहुत एन जी ओज ऐसी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है, आई थिंक पॉज एक वन ऑफ देम है, बर्ड्स पॉज करने वाली हम बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के दिमाग बहुत कुछ दूसरी बातें भी हैं, और शायद एन जी ओ की जो बातें हैं कहीं ना कहीं ओवरलुक भी हो सकती हैं गवर्नमेंट से। सो सपोर्ट अगर मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आई थिंक जनता भी अगर कुछ अपनी तरफ से कर सके तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज फाइनली अगर हेल्प मिलती है कहीं से भी हेल्प मिले, गवर्नमेंट से मिले, लोगों से मिले, हेल्प मिलना ज़रूरी है। आई थिंक बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव फाइव मूवीज आर कमिंग अप विच आई कोरियोग्राफ फॉर, यू विल सी इन दिस वन ईयर टाइम दे विल ऑल रिलीज, सो वन बाय वन यू विल सी ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू ऑफ माई स्टेज शोज विच आई एम कमिंग अप विद, और सेप्टेम्बर में वो लॉन्च होने वाला है, कि उसमें सपोर्टिंग एन जी ओ अगेन, सो यू विल सी सम ग्रीक मैथोलॉजी ऑन द डांस फ्लोर एंड मिक्स ऑफ डांस एंड ड्रामा टुगेदर। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.